नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCom पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ में मरु विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP के बारे में चर्चा करेंगे, जो राजस्थान और भारत में मरु विकास कार्यक्रम की क्या अहम भूमिका रही है और मरु विकास कार्यक्रम क्या है। मरु विकास कार्यक्रम मुख्यतया कृषि राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के आधार पर 1977 व 78 में इस कार्यक्रम की स्थापना की गई, जो कि मरु विकास कार्यक्रम प्रभावी रहा है। अब इसकी भूमिका की हम चर्चा करें कि विगत वर्षों में सूखा संभाव्य एवं मरु क्षेत्र में जनसंख्या व पशुधन में निरंतर वृद्धि होने से वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दबाव बढ़ा है। इन क्षेत्रों में प्रमुख समस्याएं जैसे वनस्पति क्षेत्र में कमी, मिट्टी का कटाव एवं भूमिगत जल स्रोतों में कमी निरंतर बढ़ रही है। जैसे मुख्यतया भूमि की उत्पादकता में कमी आई है और प्राकृतिक संसाधनों का भी हाश हुआ है, तो इस समस्या को निरंतर एक गंभीर समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई है, तो उनसे संबंधित ये कार्यक्रम प्रभावी। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भूमि सुधार कार्यक्रम के बारे में, जिसमें राजस्थान और भारत की विभिन्न वित्तीय स्थिति और विभिन्न स्थिति का हमने एक संक्षेप में चित्रण किया, और आज हम इसी क्रम में मरु विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में देखें। तो इसकी भूमिका के अंदर मैंने आपको बताया मरु विकास कार्यक्रम में एक सहायक तरीके से मिट्टी, मरु का मतलब मरुस्थल, जो कि अनावश्यक फैलाव, उसको कम करना है। किस प्रकार से उसको कम करें, जो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के आधार पे राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के आधार पे 1977 व 78 में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया, जो मरुस्थल का जो प्रसार है उसको कम करना है। ये इसका एक मुख्य बैकग्राउंड, जहाँ पर भूमि कार्य या कृषि पशुपालन संबंधी कार्य आसानी से कर सकें। तो इस प्रकार से मरु विकास कार्यक्रम में मरुस्थल, जो मरु एरिया है, उसको कम करके विभिन्न प्रकार के करें, जिसमें हम बात करें इस कार्यक्रम में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। ये कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात और हरियाणा गर्भ मरुस्थलीय क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ठंडे प्रदेशों में भी प्रारंभ किया गया है। 1995-96 में ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ जिलों में भी प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 से जल संग्रहण विकास के दिशा निर्देशानुसार, जल संग्रहण दिशा निर्देशानुसार एक आधार पर संचालित किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके लिए सीधे कोष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण या जिला परिषदों द्वारा जारी किया गया। इसकी हम उद्देश्यों की बात करें तो मरु विकास या मरु विस्तार के क्षेत्र के प्रभावों को कम करना, ऑब्जेक्टिव्स इसके विभिन्न हैं। जो मरु विकास कार्यक्रम की हम बात करें, चर्चा करें, तो इसमें मरु विस्तार या मरु विस्तार के प्रभावों को कम किस प्रकार से करना, या मरुस्थल प्रसार को या गया इसमें इसको कम करना, जो मरुस्थल का विस्तार उसको किस प्रकार से कम करना है, उसके अनुरूप जलवायु। एक इसमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी रक्षा करना भी इसमें शामिल किया गया। और भी हैं भूमि विकास कार्यों को जल संग्रहण का दृष्टिकोण, विकास कार्य हैं जो उनका विकास कार्यों का जल संग्रहण का दृष्टिकोण। तो इस प्रकार
इसके मुख्य उद्देश्य हैं जो कि मरुस्थल के प्रभावों को कम करना है, जिसमें फसल मानव और पशुधन पर मरुस्थलीय जलवायु के बुरे प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जाए, मरुस्थल का किस प्रकार से विस्तार को रोकना है। भूमि जल वनस्पति क्षेत्र भूमि सीमांत उत्पादकता प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा संरक्षण विकास पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और भूमि जल संसाधन वन विकास से संबंधित विकास कार्यों का जल संग्रहण की ओर दृष्टिकरण किया गया। अब कवरेज की बात करें तो कवरेज एरियों में प्रोफेसर सीएच हनुमंत राय समिति की सिफारिशों के आधार पर नए खंडों को इसमें सम्मिलित किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम 7 राज्यों में नए खंडों में विभाजित है, जो कि सम्मिलित क्षेत्र की हम चर्चा करें सात राज्यों में इनको क्रियान्वित किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन है, जिसमें आंध्र प्रदेश गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और कर्नाटक राजस्थान में है, जो कि 40 जिलों के 235 खंडों में ये संचालित है। इसके अंतर्गत 4,57,949 वर्ग किलोमीटर में ये है, जो कि कोषों की व्यवस्था यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की गई है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का यहाँ पर समान अनुपात में 75.25 अनुपात में इसको क्रियान्वित भी किया गया। इसकी भौगोलिक भारत में भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो मरु विकास कार्यक्रम 1995-96 से 98 तक महत्व विभिन्न चरणों में 2,194 जल संग्रहण परियोजना लागू की गई, जिसमें 99-2000 में 7.5 लाख हेक्टेयर को सम्मिलित करते हुए 325 करोड़ रुपये की लागत में 15 नई जल संग्रहण परियोजनाएं स्वीकार की, जिसमें 1500 नई परियोजनाओं में 614 विशिष्ट परियोजनाएं और 10 जिलों में चूरू नागौर जोधपुर बाड़मेर सीकर झुंझुनू पाली और जालौर बीकानेर जैसलमेर मरु विस्तार को रोकने में सहम अहम भूमिका रही, जो कि डीपीपी योजना के तहत मुख्यतः 2014 तक 80.81 करोड़ रुपये भी व्यय किए गए। अब बात करें हम राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में चलाया गया। 1977 और 78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम को चालू किया गया, जिसमें 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 75:25 के अनुपात में धनराशि की व्यवस्था की गई। यह कार्यक्रम राज्य के मरुस्थलीय जिलों में जैसे अजमेर जयपुर उदयपुर राजसमंद सिरोही सीकर झुंझुनू गंगानगर हनुमानगढ़ जोधपुर नागौर पाली जालौर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर चूरू में लागू किया गया। इस कार्यक्रम में मरु क्षेत्र में बढ़ती हुई मरु प्रवृत्ति को रोकना, जो कि पर्यावरण सुधार प्राप्त संसाधनों का पारिवारिक स्थिति को सुधार करना, जिसमें 16 राज्य और 85 खंडों में चलाया गया। 500 हेक्टेयर क्षेत्र में एक वाटर शेड के लिए 5,000 रुपये की राशि भी व्यय की गई, तो भी ये महत्वपूर्ण रही, जो कि 8 अतिरिक्त विकास खंडों में क्रियान्वित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्य किए गए, जिसमें कृषि वन चारे चारोग्राह भेड़ पालन पशुपालन जल संग्रहण सिंचाई विद्युतीकरण को गंभीरता से लिया गया। तो इस प्रकार मरु विकास कार्यक्रम 10वीं योजना में भी 519.66 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 31 दिसंबर 2014 तक 3,236.57 करोड़ रुपये व्यय किए गए और इस प्रकार इसकी भौतिक प्रगति लक्ष्य की बात करें तो 42,637 किलोमीटर हेक्टर भूमि नमी और संरक्षण में अर्जित की गई। मरु विकास कार्यक्रम 40 जिलों में 235 खंडों में चला गया, जो कि 45.79 मिलियन हेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से इनकी शुरुआत भी की गई। तो इस प्रकार मरु विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में सहायक भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। तो इस प्रकार मरु विकास कार्यक्रम एक सहायक रही है। तो हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकृति एवं वन संरक्षण के कौन कौन से कार्यक्रम हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रकृति वन संरक्षण के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण या प्रकृति को बचाने के लिए कौन कौन से ऐसे आयाम हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं, उनकी हम
संक्षेप में चर्चा एवं अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में आपके लेके आएंगे प्रकृति या पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अगले वीडियो में लेके आएंगे प्रकृति और वन संरक्षण कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे आयाम हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं उनकी। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम और डेजर्ट भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, भारत और राजस्थान के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम और भारत में मरु विकास कार्यक्रम और भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा की, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न अधिकतर आ जाता है। तो आपको ये चारों प्रश्न बहुत अच्छे से हल करने हैं कि राजस्थान में मरु क्षेत्र कार्यक्रम कौन कौन से हैं और भारत में मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं। इसमें निबंध के रूप में आए तो पहले तो उसकी भूमिका के बारे में हम लिखेंगे, फिर इसके उद्देश्य, उसके सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसकी भौतिक स्थिति कौन कौन सी है, उन भौतिक स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर निष्कर्ष रूप से जो भी सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न आयामों या सरकार के द्वारा दी गई विभिन्न स्कीम्स के बारे में हम उनका उल्लेख